जो गीत आपके मन मोहने वाले हैं, वे गीत सभी पंचमदा यानी आरडी बर्मन के दोनों से तैयार किए गए गीत चुने गए हैं। तो आज आप आनंद लेने वाले हैं उन सभी गीतों का, जो गीत आज आपके सामने पेश होंगे आरडी बर्मन के संगीत द्वारा तैयार किए गए। तो आइए दोस्तों, तैयार हो जाइए इस मन लुभावने और सुंदर से प्रोग्राम में बंसी ग्रुप द्वारा आयोजित आज के इस स्पेशल सभा में। सबसे पहले इस थीम बेस्ड सुंदर से कार्यक्रम के अरेंजमेंट के लिए मैं बंसी ग्रुप के एडमिन योगेश भाई रावल जी एंड सोनलबेन मेहता जी के लिए आपकी तालियों की गूंज जरूर चाहूंगा, और जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, बंसी ग्रुप की अपनी ये एक परंपरा है कि रादर ये एक कल्चर भी है अपना, कि हम हर शुभ कार्य की शुभ शुरुआत, शुभ आरंभ प्रेयर से, प्रार्थना से, आराधना से या शुभ वचनों से करते हैं, श्लोक से करते हैं। उसी की तरह आगे बढ़ते हुए आज के प्रोग्राम का भी आगाज, शुरुआत, शुभारंभ मैं सोनल बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, आप आगे आए और श्लोक से आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ करें। सोनल बहन मेहता जी। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हरियम ग्रवीण प्रियम नित्यम श्री मथुरादिकम सुखकरम श्री जो प्रोग्राम है थीम बेस्ड है, जिसमें सभी गीत आरडी बर्मन द्वारा संगीत किए गए गीतों को ही आज के इस प्रोग्राम में स्थान दिया गया है। जो आज बंसरी ग्रुप के सिंगर्स आपके सामने अपने मन लुभावन मनमोहक आवाज में आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आरडी बर्मन राहुल देव बर्मन जी, जिनका अगर एक पेट नेम है तो पंचमदा, हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के जितने भी महान कलाकार हुए हैं, मैं डायरेक्ट कुछ ऐसी बात पर आ रहा हूं जो शायद किसे अच्छी ना भी लगे, जितने भी महान कुछ हस्तियां हुई हैं उन्होंने सीनियर सिटीजन का खिताब अपने नाम नहीं किया है। रफी साहब की बात करूं, मुकेश जी की बात करूं, किशोर दा की बात करूं, गीता दत्त जी की बात करूं, मीना कुमारी जी की बात करूं और राहुल देव बर्मन जी की बात करूं तो उन्होंने 60 इयर्स की एज नहीं देखी। लेकिन जब मैं आरडी बर्मन जी की बात करना चाहता हूं तो आरडी बर्मन जी ने, जो सचिन देव बर्मन जी जिनको उनके पिताजी जो एक बहुत बड़े संगीत कला संगीतकार थे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, उनके राहबरी में, उनके निगेबानी में उन्होंने बचपन से ही संगीत सीखा था और शुरुआती दौर में उनके ही असिस्टेंट बनकर आगे चले थे। और एसडी बर्मन की धुनों में भी कुछ गीत ऐसे भी थे जो एक्चुअली कंपोज आरडी बर्मन ने किए थे बचपन से, कुछ ऐसे गीत ऐसे भी हैं। ऐसे महान संगीतकार को हम याद कर रहे हैं आज, जिन्हें जिनके गीत आज हम यहां पर पेश करने जा रहे हैं। आइए आज के पहले गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं भरत भाई भट्ट जी को इनवाइट करता हूं स्टेज पर। भरत भाई जी भट्ट, प्लीज स्टेज पर आए। और आप जो गीत पेश करने जा रहे हैं, किशोर दा का गाया हुआ बुढ़ा
मिल गया फिल्म से जो है वो पेश करने जा रहे हैं। मजरू जी के शब्द थे, आर डी बर्मन जी का ऑफकोर्स संगीत तो उनका ही था। रोमांटिक सॉन्ग भरत भाई इस उम्र में देखिए पेश करने जा रहे हैं। पहला ही गीत रात कली एक ख्वाब में आई। शुक्रिया। तुम्हीं से चार हुई,
याद गले एक बार में आई और गले का हार हुई। भरत भाई के गाए हुए शुक्रिया रोमांटिक गीत के साथ ही बहुत आगाज हो चुका है। आगे बर्मन की एक झलक थी ये। आइए दोस्तों अब एक ड्यूएट पेश करते हैं। सोनम बेन गज्जर और वसंत भाई जी को मैं इनवाइट करता हूँ स्टेज पर एक ड्यूएट पेश करने के लिए। किशोर दा और लता जी का गाया हुआ आनंद बख्शी जी के बोल अजनबी फिल्म से लिया गया ये गीत है हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ऑफकोर्स आपको अगर इस गीत की पिक्चराइजेशन याद हो तो ट्रेन पर लिया गया ये गीत है। छैया छैया तो बहुत बाद में आया था, सबसे पहले जो गीत ट्रेन टॉप पर फरमाया गया वो ये गीत था। आइए सुनते हैं इस गीत के बाद। अंजन भाई प्लीज आप रेडी रहिए।
क्या बात है वसंत भाई सरूल मैन। अब जब वसंत भाई जी की बात है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा जो रफी साहब से पहले के गीत पसंद करते हैं गाना, वो आज किशोरदा का अजनबी का गीत गा रहे थे साथ में सोनल बहन ने भी सुंदर बहुत अच्छी तरह से साथ निभाया। आगे बढ़ते हैं अंजन भाई को, जैसे मैंने पहले कहा कि आप प्लीज रेडी रहिए आइएगा। आप जो गीत लेकर आ रहे हैं महबूबा फिल्म से मेरे नैना सावन भादो, इनके बाद अभय भाई रावल जी हम आपको सुनना चाहेंगे प्लीज। तो जहां तक अंजन भाई का गीत है मेरे नैना सावन भादो महबूबा फिल्म से, आइए सुनिए।
जैसे मैंने अनाउंस किया अभय भाई रावल जी प्लीज आप स्टेज पर आइए। अभय भाई रावल जी जो गीत अभी पेश करने वाले हैं, वैसे तो आज का प्रोग्राम जो है हम थीम बेस्ड जैसे मैंने पहले बताया आर डी बर्मन जी के संगीत में रचे गीतों को ही पेश कर रहे हैं। अगला गीत भी उन्हीं की धुन का है लेकिन गायक कलाकार है उनके पिताजी सचिन देव बर्मन जी। गीत लिया गया है फिल्म अमर प्रेम से आनंद बख्शी जी के डोली में बिठाई के कहार। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन जी का गाया हुआ आडी बर्मन जी के संगीत में ये गीत अमर प्रेम फिल्म। Thank you.
रूठा माझी, ओ माझी रूठा माझी, ओ माझी रे रूठा माझी, टूटी पतता को डोली में बिठाई के की लगानी पड़ती है तब जाके मिलते हैं। अब रावल जी ने एसटी बर्मन जी की आवाज में इतना सुंदर सा गीत पेश किया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हीरल बेन व्यास और अश्विन भाई जी आप स्टेज पर आइए प्लीज। आप जो गीत पेश करने जा रहे हैं आंधी फिल्म से लिया गया, किशोरदा और लता जी का गीत है, गुलजार साहब के बोल और आर डी बर्मन जी का संगीत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। मीता भाई Thank you.
बहुत खूब बहुत शुक्रिया निहाल बहन। हम भी चाहेंगे कि चांद न डूबे और ऐसी गीत इसी तरह गीतों के सिलसिले आज कायम हो। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मीताबेन पंड्या जी को मैं इनवाइट करता हूँ स्टेज पर लता जी का गाया हुआ गीत पेश करने के लिए। फिल्म का नाम है अनामिका, जया बादरी पर फिल्माया गया गीत बाहों में चले आओ। आइए सुनते हैं डॉक्टर मीताबेन जी की आवाज। भी आप निभाते हैं आशा भोसले जी को, लता जी को भी उतना ही सुंदर से स्वरों से इस गीत को आपने भी सजाया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब मैं एडमिन योगेश भाई रावल जी को इनवाइट करूंगा स्टेज पर।
तालियों से तो नवाजा जाना ही चाहिए। आप तो इतना भी जानते हैं कि योगेश भाई रावल यूजुअली मुकेश जी के गीत पसंद करते हैं स्टेज पर, लेकिन इस बार जो गीत उन्होंने पसंद किया है वो मुकेश जी का तो नहीं है। फिल्म में चार बार गीत गाया गया है, प्यार का मौसम फिल्म के गीत की बात कर रहा हूं, आर डी बर्मन जी के संगीत में, दो किशोर कुमार के वर्जन है, दो रफी साहब के वर्जन है। जस्ट मैं थोड़ी देर और ज्यादा लेना चाहूंगा कि आर डी बर्मन का ये टैक्टिस देखिए, भारत भूषण जिसपे मोहम्मद रफी आवाज सेट की गई थी उन्हें किशोर की आवाज दी, शशि कपूर जो यूजली रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं जिस पर किशोर के गाने होने चाहिए उन्हें रफी साहब की आवाज दी। बस अलग अलग गायकों के गाए गए गीत, लेकिन हमारे योगेश भाई यहां पर कम नहीं किसी से। एक अंतर किशोर का गाएंगे, एक अंतर रफी साहब का, पूरा किशोर करेंगे अभी। अच्छा पहले एनीवे, लेकिन ये बात ये है कहता है कि किशोर दा का गीत गा रहे हैं प्यार का मौसम, सुनिए। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रतीक्षा बहन
प्लीज आप स्टेज पर आइए। प्रतीक्षा बहन के बाद हम मंदा बहन जी को भी स्टेज पे सुनना चाहेंगे प्लीज। प्रतीक्षा बहन जो अब आपके सामने गीत पेश कर रही हैं, घर फिल्म से लिया गया गीत है, गुलजार जी के शब्द, आर डी बर्मन जी का संगीत। आपको गुलजार साहब और आर डी बर्मन जी का कॉम्बिनेशन जब भी हुआ है तब जोरदार गीत ही लिखे गए हैं। आप जो गीत पेश कर रहे हैं, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, लता जी का गाया हुआ गीत है, प्रतीक्षा बहन पेश कर रहे हैं। दोस्तों ये गीत स्टार्ट हो उससे पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका प्यार सहकार हमेशा से बरकरार रहा है बंसरी ग्रुप की, और बंसरी ग्रुप के लिए आप हमेशा उदार दिल से डोनेशन भी देते हैं। इस समय नीता बहन और सरोज बहन की ओर से 200 रुपए ग्रुप को डोनेशन दिए जा रहे हैं, प्लीज अभिवादन तालियों से किया जाए। थैंक यू। प्रतीक्षा बहन पेश कर रही है घर फिल्म से लता जी का गाया ये।
होगा। प्रतीक्षा बहन आइए, अब मंदा बहन जी आप जो आप गीत लेकर आ रहे हैं, लता जी का ही गाया हुआ गीत है, लेकिन दोस्तों आर डी बर्मन जी ने जो कैरियर जिस फिल्म के अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर, 1961 की फिल्म थी छोटे नवाब, महमूद और अमिता अभिनीत ये फिल्म थी, उसी फिल्म का छोटे नवाब का गीत लेकर मंदा बहन पेश हो रहे हैं, घर आजा गिर आए बदरा सांवरिया, आइए सुनते हैं आनंद लेते हैं इस गीत। आजा गिर आए पदरा सावरिया
क्या बात है वृंदावन, बहुत खूब। अब अगले गीत के लिए मैं बंसल ग्रुप के एडमिन सुंदरबन मेहता जी को भी इनवाइट करूंगा, तालियों से उनका स्वागत करें। एक लता जी का गाया हुआ गीत आप पेश करने आ रहे हैं 1979 की फिल्म जुर्माना से, अमिताभ बच्चन और राखी अभिनेती है फिल्म थी। एक्चुअली लता जी के दो वर्जन है इस फिल्म में, दोनों ही लता जी के थे। आइए सुनते हैं ये गीत सावन के झूले पड़े, बहुत ही सुंदर गीत सुंदरबन मेहता जी। सावन के झूले पड़े
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब नितिन भाई पटेल जी को बुलाते हैं स्टेज पर, प्लीज। आप किशोर दा का गाया हुआ सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत लेकर पेश हो रहे हैं। गीत के बोल है, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तुम तड़पाओगे। बहुत खूब बहुत सुंदर गीत, आइए सुनते हैं। जाओगे दिल भर मेरे
पिघला दिया। बहुत ही सुंदर नितिन भाई, बहुत ही खूबसूरत पेशकश। अगले गीत के लिए मैं एक और कपल रोहिणी बहन और परेश भाई को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज स्टेज पर आइए। आप एक गीत पेश कर रहे हैं, एक तो ऐसी फिल्म जिसका नाम हार्डली कई लोगों ने सुना होगा, एक ऐसा गीत जो रेयरली स्टेज पर परफॉर्म किया गया होगा। परेश भाई मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? हार्डली सुना गया गीत स्टेज पर। बता देता हूं पुरस्कार फिल्म का नाम है 1970 की रिलीज, जॉय मुखर्जी फरीदा जलाल अभिनीत ये फिल्म, नतीजा हमारी मोहब्बत का क्या है टाइटल है इस गीत का। आइए सुनते हैं, मजा लेते हैं। अभी है तो दोनों मोहब्बत वाला ही, इनके नतीजा क्या है सुनते हैं।
मोहब्बत का क्या है, ये तुम भी न सोचो, आपके आपने जो गीत गाया नतीजा हमारी मोहब्बत का, बस आपके गाए हुए गीत की एक लाइन मैंने कैच की है, नतीजा वही बताता है, बहकी होगी जब भी ये फिजाएं, कैसे रहेगी होके रहेगी हमारी खताएं, बहकी होगी जब भी फिजाएं होके रहेगी हमारी खताएं। आगे बढ़ते हैं अगले गीत के लिए, नरेश भाई ओझा जी आपके सामने पेश हो रहे हैं, किशोरदा का गाया हुआ एक सुंदर सा गीत लेकर, कटी पतंग फिल्म से, राजेश खन्ना अभिनीत यह फिल्म थी, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, ये गीत के बोल है। राजेश खन्ना के 32 गाए हुए 32 फिल्मों में संगीत दिया था आर डी बर्मन, आवाज ना थी अशोक भाई सुबह ओके चल
स्टेज पर कारवा फिल्म से एक आशा भोसले जी का गाया हुआ सुंदर सा गीत जिसमें आर डी बर्मन जी की भी आवाज है, पिया तू अब तो आ जा, क्या गीत है, आइए सुनते हैं। Thank you.
उम्मीद करता हूँ यह तालियां मेरे लिए है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब सुन। आइए नितिन भाई एंड डॉक्टर मीताबेन पंड्या से एक ड्यूएट सुनते हैं, झूठा कहीं का फिल्म से किशोरदा और लता जी का गाया हुआ गीत जीवन के हर मोड़ पर। दलजीत सिंह एंकरिंग वाली सिंगर माई जाए यू करू है तो ताड़ियों सरस वगाड़ी दो क्या किया भाई अप्रैल में क्या सिंह Bye.
जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए अराउंड 245 सॉन्ग्स 245 गीत किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए गाए, उनमें से एक गीत मेरे जीवन साथी का ओ मेरे दिल के चैन। हेलो 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 दिल के चैन
प्रतीक्षा बहन को इनवाइट कर रहा हूँ स्टेज पर एक सुंदर सा गीत पेश करने के लिए। 1942 अ लव स्टोरी का गीत आप पेश करने आ रहे हैं। प्रतीक्षा बहन आइए एक और गीत के लिए आगे बढ़ते हैं। वसंत भाई जी प्लीज आप स्टेज पर आइए। अगेन किशोरदा का गीत आप पेश करने जा रहे हैं। हम किसी से कम नहीं बचना है हसीनों लो मैं आ गए हैं। वसंत भाई आपके सामने ये गीत पेश करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा जोन से आउट आउटर जोन में है आउट ऑफ कंप्लीट जोन। Oh,
बहुत खूब दोस्तों, एक बार फिर से वसंत भाई के लिए इस गीत के लिए दोबारा तालियां बजा दिया। आउट ऑफ जोन जाकर उन्होंने इतना सुंदर सा गीत पेश किया, किशोरदा गाया हुआ। अगले गीत के लिए मैं योगेश भाई को इनवाइट करता हूँ। योगेश भाई एक सुंदर सा गीत लेकर पेश हो रहे हैं। उससे पहले अभी तक मेरी कुछ बात नहीं हुई, तो मेरी भी छोटी सी बात हो गई। ऊपर वाला जब बीवियों के किरदार के बारे में सोचकर बीवियां बना रहा था, किसी ने उनसे पूछा कि अगर आज्ञाकारी और समझदारी बीवी चाहिए तो कहां मिलेगी। भगवान ने बिना सोचे ही कह दिया, दुनिया के हर कोने में मिलेगी। लेकिन जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने दुनिया गोल बना ली। योगेश भाई पेश कर रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन दुल्हन, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तेरा वादा।
कसम। क्या बात, योगेश भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होगी। मैं बताना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा, एक्चुअली वो बीवियों के चक्कर में बात बताना भूल गया था मैं उस समय, कि मुकेश साहब हमारे पहला गीत पेश किया किशोरदा की आवाज। अब जो ये गीत था रफी साहब का गाया हुआ था, तालियां बनती है कि नहीं बनती? दोस्तों अगले गीत के लिए प्रतीक्षा बहन प्लीज स्टेज पर आइए। प्रतीक्षा बहन पेश कर रही है 1942 लव स्टोरी का कविता कृष्णमूर्ति जी का गाया हुआ ये गीत। दोस्तों 1942 लव स्टोरी के बारे में जब तक ये तैयार हूं मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। आर्डी बर्मन ने अपने लाइफ टाइम में कुल मिलाकर 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे और जो तीसरा था वो फिल्म 1942 लव स्टोरी के लिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये उनके गुजर जाने के बाद उन्हें दिया गया था और 1942 लव स्टोरी भी उनके गुजर जाने के बाद रिलीज हुई थी। कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ ये गीत प्यार हुआ चुपके से जो पेश होने जा रहा है उसे भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आइए सुनते हैं वो गीत प्यार हुआ चुपके से।
बहुत ही सुंदर प्रतीक्षा बहन ने डिफिकल्ट सॉन्ग आपने ये पेश किया, बहुत ही सुंदर। आइए अगले गीत के लिए डॉक्टर मीतानंद पंड्या जी और नितिन भाई को इनवाइट करते हैं एक ड्यूएट पेश करने के लिए। ऋषि कपूर डिंपल कपड़िया की पहली फिल्म थी बॉबी, लेकिन बहुत गैप के बाद डिंपल कपड़े ने जब फिर से आगमन किया था तो उनकी फिल्म आई थी सागर। सागर फिल्म से गीत लेकर किशोर दा और लता जी का गाया हुआ ये गीत सागर के नारे दिल ये पुकार, नितिन भाई पटेल एंड डॉक्टर मीता बेन पंड्या। Yeah.
नितिन भाई पटेल एंड डॉक्टर मिताली पांड्या। अगले गीत के लिए मंदा बहन जोशी जी आप प्लीज स्टेज पर आइए। एक अंतर और होना चाहिए था। एक राजेश जी है जो अंतर लिखते हैं। लता जी का गया हुआ अमर प्रेम फिल्म का गीत लेकर सुंदर सा रहना भी दी जाए शाम। पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट वाह।
નવીન સુપર બહુત હી અતિ સુંદર બહુત સુંદર આઈએ અગલે ગીત કે લિયે મેં ભરતભાઈ ભટ્ટજી કો એક બાર ફિર સે ઇન્વાઇટ કરતા હું પ્લીઝ સ્ટેજ પર આઈએ ભરતભાઈ अच्छा आज जो सबसे पहले प्रोग्राम में हाजिर थे उन्होंने भरत भाई का पहला गीत तो सुनाई होगा रोमांटिक गीत गाया था आपने प्लीज रात कली एक ख्वाब में आई रोमांटिक गीत लिया था आपकी बार भी वो रोमांटिक गीत को छोड़ नहीं रहे हैं उसी तर्ज पे आ रहे हैं हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते आइए आप जानते हैं आप सब जान गए हैं पेश करने के लिए क्या जानू सर
साथ में आ रहे हैं डॉक्टर मीता बेन पंड्या, कुछ नया लेकर। अच्छा मेल मेल माइक में फीमेल वॉइस कर जो।
बहुत ही सुंदर करुणा मेहता जी एंड डॉक्टर अमिता पंड्या। लास्ट मिनट प्रिपरेशन, आइए अगले गीत के लिए जो ड्यूएट है परेश भाई एंड रोनी बहन को मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पर। दो फूल 1978 की मूवी महमूद जिसका हीरो था उसमें मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हरा। मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हरा एक्चुअली बिगड़े हुए शब्द है तमिल लैंग्वेज के, जिसका एक्चुअली मतलब निकाला गया है कि लड़की को पटाना या संभालना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र की गहराई में जाकर मोती निकालना। मुत्तुकोड़ी कवाड़ी हरा, आइए सुनते हैं। Thank you.
एंटरटेन इस हद तक पहला गीत था, नतीजा हमारे प्यार का क्या हुआ। नी रिप्लेसमेंट के टाके अभी खुलवा के आए हैं और आके डांस किया है। और आपको बता दूं, ये एक्चुअली जिस व्यक्ति का ये ट्रैक अपलोड किया हुआ है इसमें, उसने बीच में महमूद की वो डांस भी दिखाई है। इसने जो डांस ये कर रहे थे एग्जैक्टली उसी को कॉपी कर रहे थे, क्योंकि स्क्रीन अब मेरी तरफ थी, मैं देख रहा था। इत्तफाक या बदकिस्मती से आप नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इनके डांस आपने जरूर देखी जो मैंने नहीं देखी। एनीवे आप सभी ने बहुत बहुत इंजॉय किया, वेल डन, वेल, बहुत खूब बहुत खूब। आइए सोनादन गजर जी, आपका अगला गीत सुनते हैं, हरे राम हरे कृष्ण फिल्म से। पहला था पिया तू अब तो आ जा, अब है दम मारो दम। लीजिए सुन।
दोस्तों बंसरी ग्रुप की एक खासियत ये भी है कि अपने जिनका जिन सिंगर्स का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत समय से अच्छी तरह उनका सम्मान करते हैं और सम्मान में और कुछ नहीं भगवत गीता जैसी होली पुस्तक दी जाती है उससे अच्छी और मोमेंट और क्या हो सकता है। तो इस समय जो कलाकार जिनको अब एडमिन द्वारा ये पुस्तक दी जाने वाली है नितिन भाई पटेल जी डॉक्टर मीताबेन पंड्या एंड सोनाबेन गजर सोनाबेन गजर प्लीज तीनों आप स्टेज पर आइए प्लीज। नितिन भाई जी को योगेश भाई रावल के हाथों से ये गीता भगवत गीता जी का पुस्तक दिया जा रहा है। सोनाबेन मेहता जी की ओर से उनके हाथों से मीताबेन डॉक्टर मीताबेन पंड्या जी को इस समय दिया जा रहा है। एक और सोनाबेन गजर जी को सोनाबेन मेहता जी के द्वारा दिया जा रहा है भगवत गीता का ये छोटा सा मोमेंटो। જેમ સોનલબેન ઓલવેઝ એવું કહે છે કે બંસરી મારું માન છે અભિમાન છે અમને ભી એવું જ છે ફીલિંગ કે બંસરીમાં અમે લોકો પરફોર્મ કરીએ છીએ અમારા માટે અભિમાન છે એન્ડ વી આર ઓલસો કન્સિડર્ડ પાયનિયર મેમ્બર્સ ઓફ બંસરી બહુ જ ડિસિપ્લિન ગ્રુપ આટલા બધા ગ્રુપ્સ છે પણ બંસરી આઈ સપોઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિસિપ્લિન ગ્રુપ બંસરી જ્યારથી ચાલુ થયું છે ત્યારથી હું બંસરીમાં જોઈન થઈ છું અને સોનલબેન અને યોગેશભાઈ તરફથી બહુ જ સપોર્ટ બધાને મળ્યો છે અને એ આગળ વધે એવી અમારી બધાની પ્રાર્થના છે બહુ મોટે બંસરી જાય જય શ્રી કૃષ્ણ મને એવું લાગે આ બેને આગળ મોકલે મેક્સિમમ પ્રોગ્રામ એન્કર કરેલા ભલે ક્યારે મારા માટે કઈ કહેતા નથી એ વાત અલગ છે પણ સારા એન્કર છે એમ તો બી હું એવું કહીશ આવતી વખતે કદાચ બોલે અત્યારે બંસરીમાં જે સિનિયર સિટીઝન છે ને એના માટે બંસરી ગ્રુપ બહુ જ આશીર્વાદરૂપ છે બીજે ક્યાંય પણ નથી આવી બંસરી તરફથી જે તમને લોકોને મળે છે એવું બીજે ક્યાંય નથી મળતું એ મેં જોયું છે થેન્ક યુ ચલો હવે મારું નામ આવ્યું તો મને તો શુક્રિયા કહેવું જ પડશે સૌથી પહેલા હું નીતિનભાઈ પટેલના થેન્ક યુ કઈ કીધા વગર સમજી ગયા મારે કેવું પડ્યું ચલી એક પાર્શિયલિટી ઇતની કર દેતા હું કે જીતની ભી ચિઠ્ઠી મેરે પાસ આઈ ઉનમે સે આપકી નામ કી ચુન કર આપકો હી ગિફ્ટ દે દેતા હું બેમિસાલ ગીત ગાના હૈ આપકો કિશોર દા કા ગાયા હુઆ કિસી બાત પર મેં કિસી સે ખફા હું બેમિસાલ ફિલ્મ સે યે ગીત લેકર આપ પેશ હો રહે હૈ મુઝસે તો ખફા નહીં આપ સે હી ખફા થા ઓકે देखिए कितना दर्द आता है हो
किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ, खफा हूँ खफा हूँ खफा हूँ, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। આઈડી અમારી પાસે હોય તો એ આઈડી પાછળથી કલેક્ટ કરી લેજો,
અને નવા મેમ્બર્સ જે થવાના છે એ આજે મેમ્બર્સ બની પેમેન્ટ ભરી અને એમના આઈડી પણ લઈ લેજો. પાછળ અશોકભાઈ અને કેતનભાઈ મહેતા બંને બેઠા છે, એમની પાસેથી તમારા આઈડી પેમેન્ટ આવી ગયું હોય એ ખાસ કલેક્ટ કરી લેજો, જેથી કરીને આપણો મે મહિનાના પ્રોગ્રામમાં તમારે ત્યાં આઈડી બતાવવા પડશે એન્ટ્રી માટે. હવે પછીનું ગીત રજૂ કરવા આવે છે અંજનભાઈ. ગીતના શબ્દ છે બડે અચ્છે લગતે હૈ. Oh, my dear.
बहुत खूब भजन भाई, बहुत सुंदर। दोस्तों किसी ने कहा सागर किनारे दिलिए पुकारे, किसी ने कहा जीवन के हर मोड़ पर, किसी ने कहा भाव में चले आओ, किसी ने कहा हम दोनों दो प्रेमी, किसी ने कहा किसी बात पर मैं किसी से खफा हूं, अब मैं बुला रहा हूं डॉक्टर मीताबेन पंड्या को एक गीत सुनाने के लिए। वो जो कह रही है कितने भी तू कर ले सितम, हस हस के सहेंगे, हस हस के सहेंगे, हम गाएंगे, गाते रहेंगे, गाएंगे भी गाते रहेंगे। दोस्तों सनम तेरी कसम फिल्म का ये गीत है जिसके लिए आरी बर्मन साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आइए सुनते हैं डॉक्टर मीताबेन पंड्या जी से।
बहुत खूब डॉक्टर मीताबेन। और डॉक्टर मीताबेन की बात करूं उससे पहले मैं वसंत भाई की बात करना चाहूंगा, जिन्हें हम जोन और आउटर जोन की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शिद्दत से दोनों आउटर जोन के गीत भी निभाए। और डॉक्टर मीताबेन पंड्या की बात करूं मैं, तो इनका भी पहले एक जोन हुआ करता था, लेकिन उस जोन से इतने बड़े बाहर निकले हैं, इतना बड़ा जोन बना लिया है कि अब वर्सेटाइलिटी, हर सिंगर का गीत गाते हैं, लेकिन जब